कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पर बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना, फिर बोला नहीं है। माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है, अब सदन भी इस पर चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप बरसों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है, आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है, माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है, इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा, संविधान की मर्यादा के अनुसार लेके। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना, फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कह रहा नहीं है कंट्रोल, आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।